लेके आया आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट। मैं लेके आया वो लेके आई कोई भी ले आया हो इसके लिए गिफ्ट लेके लाओगी भाई भले ही लिया हो आदेश लिया हो लेकिन बुआ का नाम लिया हो चलो खोल दो अभी से ऐसे टाइप करके रखोगे क्या इसके अंदर तो बुक बुक लिया है कन्नों के लिए तो ये बता रहे कब वाले आर्यन भाई जो है यहाँ पर मैगी बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए अंशी दीदी भी आ गई है और आरसी दीदी भी। पागल हो रहे हो क्या सारे? हट तो जाओ, शाम में बैठ जाते हैं। शेफ दिखना चाहिए। मेरे सुंदर समूह का। इनकी बैस चल रही है दोनों में। ये देखिए। ऊपर छत पे आए हैं हम बच्चों को लेकर के और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ में आकर के। जब से ये आए हैं ना हंसी खुशी का माहौल है। दो चार दिन से तो बहुत ज़्यादा टेंस थे क्योंकि कन्नू की तबीयत के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है और सब कुछ हाई लेवल पर है। खून में एलर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई है वो भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नॉर्मल है तो वो भी। अब कन्नू की रिपोर्ट देखने के लिए कह रहे थे, कुछ कमेंट आए हैं हमें कि कन्नू की रिपोर्ट के बारे में बताइए, तो वो भी बताएंगे हम, उसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे क्योंकि ब्लड की रिपोर्ट जो है कल ही आई है। कल शाम के टाइम कन्नू के पापा बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 9:30 बजे आए थे वे, और बस ब्लड की रिपोर्ट देख करके उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस है कंडीशन। उसको है ना गांठ बताई गई है गले में, उसके गांठ हो रही है और ब्लड में भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है और बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ी हुई है। उतार दे नीचे। ध्यान रखियो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। आर्यन वेदू का रखेगा और कन्नू का रखेगी आरुषि। ये निकाल रखी है चप्पल, वेदू ने नीचे निकाल के आ गया, कन्नू ने आते ही ऊपर निकाल दी। बिजली आनी बंद हो गई। हाँ बेटा।
अभी आरुषि की बारी आ गई है खेलने की, और आरुष भी इनके साथ में बच्चे बन गई है। बहुत अच्छा लग रहा है इसको ऊपर छत पे आकर के, और मामा जी के यहाँ पे आके तो इनका मन बहुत ज्यादा लगता है। और देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर आसमान, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ना ही ज्यादा गर्मी है ऊपर छत पे, ना ही ज्यादा सर्दी है। कौन जीत गया? कन्नू का बनियान इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं तो चलूंगा वापस। तो जी आप मिल ही लिए होंगे दिन में आज आर्यन से, और अब आगे शाम को मुझे मिल लिया है। देखो अम भी चूस रहा है, और देखो ये क्या कर दिया इसने, हमने पैर उल्टे घाल लिए अपने सिर में, सिर बना लिया इसने, पता नहीं क्या बना लिया, कैसे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं ये। और इधर कन्नू की चल रही है थोड़ी बहस अपनी दीदी के साथ में और उसी के साथ में, ये पता नहीं क्या दुकान से ला के दिखा रहा है और दीदी को खिलवा रहा है, और एक तो ऐसी चीज लेके आया जिसका उसको पता नहीं कि क्या है। देखिए जी ये कॉफी का पैकेट है, और कॉफी बनाने का चूरन है, इससे कॉफी बनती है। और कन्नू को ये नहीं पता, जब कन्नू चाय नहीं पीता दूध नहीं पीता तो कॉफी कैसे पी लेगा? कॉफी पी सकता हूँ मैं। कैसे पी सकते हो कॉफी आप? कप में करके और दे दो, एक तो चाय पी मिक्स कर दूंगा। ऐसे ऐसे ये सब कहता कहता है और करता कुछ नहीं है। मम्मी से जिद कर रहा है, मम्मी प्लीज बना दो ना। चलो दीदी से बनाएंगे, दीदी से बता भी दिया मम्मी को कॉफी बनाने का तरीका। मामा जी, हाँ जी, इसको ना बना वो ऐसे बताता है। चलिए जी खैर इनका ऐसे चलता रहेगा, और आज का पूरा दिन इनका मस्ती में निकल गया है, और कल से इनकी शुरू होगी पढ़ाई सभी की, सबसे पहले कन्नू की। तो जी चलिए ये तो ऐसे एक्टिंग करते रहेंगे, और हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।